आप देख रहे हैं हर तरफ से बर्फ ही। मैं नहीं मानता। से जो मैंने बोला था भी थोड़ा इंतजार करें, इस तरीके से मंजर है भाई, ये पूरा वर्जीनिया के पहाड़ पहाड़ और ये जंगल है इधर साइडों के अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कुछ इस तरह का मंजर है, मैं जब उठा हूँ आगे भी बर्फ हो रही थी ओकलामा में, लेकिन वो खत्म हो गई है। और दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक सारे लोग अपनी अपनी मंजिल तक साथ खैरियत तक पहुँचे। तो इस तरह का ब्यूटीफुल मनाजर है भाई हर तरफ, ओनली ऑन देसी ऑन द व्हील भाई, देसी ऑन द व्हील ये मनाजर है। तो इसी के साथ आपका भाई सुबह उठ चुका था, शावल लिया भाई ने आपके, और शावल लेने के बाद ब्रेकफास्ट किया, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, दिल नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ठंडी हो रही थी और दिल भी नहीं कर रहा। मैंने कहा कि क्यों ना इंट्रो मैं यहाँ से करूँ। इस टाइम पे मैं ओकलामा से पहले हूँ, आई थिंक 150 माइल पहले हम टेक्सास के अंदर हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वर्जीनिया। बस चलते हैं आपसे कहीं ना कहीं पे तो गपशप हो ही जाएगी। ये ट्रक पे बैठा आपका बिस्मिल्लाह। मैं रुका हूँ फ्यूल स्टॉप पे, डीए के ऊपर रुका हूँ। अच्छा, फ्यूल डालने के लिए मेरे दोनों कान बंद हो रहे हैं क्योंकि तेज इतनी हुई है कि उसके इतने दोनों कान बंद हो रहे हैं। मुझे आवाज तक कितना आपका भाई होता है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरी है रात से लेकर, सब रात को भी गिरी माँ भी गिरी है। भाई चलते अंदर और फटाफट आपका भाई फ्यूल डलवा के फारिग होता है क्योंकि मेरे दोनों कान में दर्द हो रहा है हवा से ना, ये सब चीज तो चलती रहती है लाइफ के साथ। फ्यूल शूल डाल लिया भाई, मुझे चीटोस लेने का, मेरा चीटोस खाने का दिल कर रहा था। अच्छा, बेबी बॉय बनने का चीटोस लेता मैं अभी, ये चीटोस पकड़ के मेरा पॉइंट्स पड़े हुए, पॉइंट्स से पकड़ते हैं भाई। ये टीए का स्टॉप है छोटा वाला और ये टीए का होता है बड़ा वाला, ये छोटा वाला होता है जो फ्यूल की होता है। ये मशीन लगी हुई यहाँ पर, अपने पॉइंट्स लेते हैं, फटाफट पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स से खरीदते हैं, इस पर पॉइंट्स होते भाई के काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। चले भाई, हाँ जी भाई, आप सोच रहे मैं कहाँ चला गया हूँ, मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया आज भाई, मौसम बहुत खराब है ऑल द वे वर्जीनिया तक। अब ये देख रहे हैं, ये इस टाइम पे मैं हूँ अपने टेनेसी के अंदर हूँ और पूरी बर्फ 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 बर्फ। मुझे व्लॉग बनाने का नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे पास जो ट्रकिंग के जो लोग ट्रक चलाते हैं उनको पता है 4000 वेट इस लाइक एम्प्टी, कि आप एम्प्टी ट्रेलर रन कर रहे हो। इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हवाएं बहुत चल रही हैं, मैंने रोक दिया है और सुबह भी मुझे वर्जीनिया तक जाना है, बारिश ऊपर से बर्फ गिर रही थी, ऊपर से हवाएं चल रही थी, मैंने यहाँ पे ट्रक रोक दिया है। आप देख रहे हैं हर तरफ से बर्फ ही बर्फ। मैं नहीं मानता। मोस्टली लोग ट्रक इस टाइम पे नहीं चला रहे हैं, रोड खाली हुई भी है, ये आप देख रहे हैं, इसमें गिरने का खतरा होता है। चले अभी आपका भाई आपसे सुबह मिलता है, इसी के साथ अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, आपका भाई सोने जा रहा है, सुबह आपसे मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही तो। The next day. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई, ये मेरा दूसरा दिन है आज का। अच्छा, आपका भाई इस टाइम पे बहुत सर्दी है, बहुत दबा के कोई सर्दी हो रही है, चावल लिए 2:35 AM हो रहा है यहाँ पे, तो मेरा ऑर्बीज खाने का मूड होता है, एग एंड चीज सैंडविच तो हमेशा ही, जैसे आई थिंक मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, आपने देखा होगा मैंने आपके भाई ने वहाँ बैठ के खाना खाया था, ब्रेकफास्ट एग एंड चीज सैंडविच, तो ये आपके भाई का एग एंड चीज सैंडविच बना रहा है आज आपके भाई का अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी खैर, एनीवे मौसम बहुत ही बुरा मौसम है, एक तो बैड वेन है, चलो बर्फ गिरी हो खैर है, बर्फ से कुछ टेंशन नहीं थी ना, अगर स्नो गिरी तो खैर है, एक विंड है और विंड से मुराद क्या है कि मेरा ट्रेलर ऑलमोस्ट खाली है, ओनली 4500 पाउंड, कल भी मैंने बताया था और आज दोबारा बता रहा हूँ, यार सैंडविच बनाते हैं और फटाफट निकलते हैं क्योंकि मेरा ट्रक दूर खड़ा हुआ है और सर्दी बड़ी टाइट वाली है। चले भाई, ओए होए होए होए, मजा आ जाएगा, बदवा करते रहे भाई को। सैंडविच रेडी हो गया, सावा दूर कोल्ड, दैट्स कोल्ड वेदर यू नो। ऑलराइट बॉस, थैंक यू ब्रदर। चलो ये हो गया मेरा, आज चलते हैं भाई।
सुबह सुबह कायद का फरमान भी सुबह सुबह उठो और काम करो, नाश्ता आपके भाई ने कर ले, कॉफी देने जा रहा है, कॉफी के बिना आपके भाई का दिन रुक नहीं होता भाई। कॉफी पकड़ दो फटाफट निकलते ताकि 6-7 घंटे की ड्राइविंग पहुंच गई है, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगर आज उसने लोड ले लिया तो वेल एंड गुड हो जाएगा, वरना कुछ कर नहीं सकते भाई। लेकिन पूरी कोशिश है भाई कि आपकी वो आज आपके भाई का लोड ले ले चले भाई, ये बहुत एहतियात से चल रहा है क्योंकि ये लोड हो रही है स्लिपरी हो रही है स्लिपरी। The next day. अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा थर्ड डे व्लॉग का, क्योंकि कल हुआ सीन ये कि कल मैं लौट के लिए गया, मैं जल्दी पहुंच गया एक्चुअली ना, तो उसने मुझे बोला नहीं यार मैं आप ले नहीं सकता हूँ अर्ली क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं, पीछे तुम सामान उतारोगे ये कैन फौरन दूसरा बंदा लेके चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा जाता है ना, तो मेरे पास जगह नहीं है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि आज मैं तुम्हारा लौट ले लूँ, अगर स्पेस बन गई तो। बहुत कोई कंजेस्टेड वेयर हाउस है ये, बहुत प्यारी जगह ये जहाँ पर मैं रुका हूँ रात को लव्स के ऊपर, वहाँ पर 22 माइल्स के ऊपर एक लव बना हुआ है, जैसी सुबह होगी मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं एक्चुअली कल सो गया था ना, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मेरे सर में दर्द हो रहा था और आपका भाई आके फिर सो गया, और मैं कभी इतना लंबा जिंदगी में नहीं सोया हूँ मैं। अच्छा, कल दोपहर से जो सोया हूँ दोपहर से, क्योंकि मैं जगा हुआ था काफी, आपका भाई आके सो गया, और सोने के बाद फिर आपका भाई उठा, देखा टाइम देखा, बोला नहीं उठना भाई फाद भाई सोते रहो, अगर उठ गए तो रात काली हो जाएगी। अभी खैर आपका भाई सुबह 4 बज रहे हैं, उठ चुका है, शावर शावर ले लिया है, अगर उसकी आज इंशाल्लाह कल आज कॉल आ गई तो आज जाके लोड छोड़ देंगे। और इन तौर पर ये लोड में बहुत लंबा टाइम था मेरे पास, उसकी वजह से मैंने ये लोड मैं जल्दी पहुंच चुका हूँ। चले अभी आपको सुबह होते तो आपको यहाँ के ये पहाड़ हसीन पहाड़ बताते हैं। ये ट्रक स्टॉप बना हुआ है और वेयर हाउस वाली तो आपने रोड देख ली होगी, बहुत ही खतरनाक जालिम वेयर हाउस। चले भाई पहाड़ का मनाजिर कुछ इस तरीके से, जो मैंने बोला था भी थोड़ा इंतजार करें, इस तरीके से मंजर है भाई, ये पूरा वर्जीनिया के पहाड़ पहाड़ और ये जंगल है इधर साइडों के अंदर। मैं अंदर अगर जा सकता तो आप लोग को जरूर बताता हूँ, मैं भी खुद केयरफुली रह रहा हूँ। बहुत सर्दी है, पीछे पहाड़ के पीछे सन देखे भाई सन, ये कोई इस तरीके का मनाजिर है भाई। तो इस व्लॉग को आपके भाई को ज्यादा लंबा नहीं करना यार, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ऊपर चले आते हैं 15 मिनट 20 मिनट भी, आई डोंट लाइक इट आल्सो। तो मैंने कहा यार इस व्लॉग को इसी मनाजर के साथ खत्म करो, ये व्लॉग मुझे कल खत्म करना था लेकिन आपका भाई कल सो गया था यार। बस ये देखिए पूरे जंगल है, ये रात के टाइम पे सन्नाटा गुप्त है यहाँ पे, जहां तक नजर मिलाए ये वहीं तक है जहां तक। तो खैर पता नहीं आज का काम मैं करूंगा नहीं करूंगा, हैव नो आइडिया। अगर आप लोग अपने भाई का आज का व्लॉग अच्छा, क्योंकि रस्ते भर में मैंने व्लॉग इस वजह से नहीं बनाया, मौसम कोई बहुत खराब मौसम था, एक तो हवाएं ऊपर से बर्फ गिर रही थी, मैंने फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करा है, क्योंकि अवॉइड करता हूँ क्योंकि रोड नीचे जा रही होती है और ये ऊपर जा रही होती है, और इतनी तेज बर्फ हो रही थी हर जगह पे, ना मैं बाहर उतरा हूँ और ना मैं कहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे खांसी हुई थी। मैं आराम से ट्रक के में हीटर में बैठा रहा, मैंने व्लॉग को बोला चलो यार बाय बाय आज व्लॉग नहीं बनाते, हर तरफ से ट्रक ही ट्रक है, जंगल ही जंगल है भाई। तो इस व्लॉग को अगर आपके भाई का अच्छा लगा तो भाई फेसबुक पर जाके भाई का पेज को देसी ऑन द व्हील के पेज को जाके लाइक करे, यूट्यूब के ऊपर भी जाके उसको शेयर करे, टप 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 टप, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इज्जत देनी होगी तो भाई देगा, मेरा कॉन्टेंट जितने वायरल होना होगा होगा, सब्सक्राइबर आ रहे हैं जा भी रहे हैं वायरल भी हो रहे हैं, सही है, कम व्यूज आने स्टार्ट होगा कोई बात नहीं है भाई, जब अल्लाह ने इतने व्यूज दिए एकदम से यहाँ लेकर आ जाए कोई बात नहीं भाई, मैं सिर्फ अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन पे चलता हूँ खत्म, मेरा अल्लाह ताला पे ही यकीन है और आप सबका अल्लाह ताला पे, अपने ईमान रखने वालों पे, जिस पे भी आप लोग ईमान रखते हैं उस पे भरोसा बस करे वो ही देगा खत्म। तो आपके भाई को आज की व्लॉग के साथ इजाजत दीजिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, जैसी ऑन द व्हील के अंदाज के अंदर भाई अल्लाह हाफिज़। Я помню только пин-код в земле.
खुद का।